अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेसिपी हैदराबादी बिरयानी। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज और 1.5 किलो चिकन, 2 अचार के चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच हमें चाहिए धनिया, 2 चम्मच हमें चाहिए अदरक का पेस्ट और 2 डब्बे चाहिए हमें बिरयानी मसाले के, 1 कप चाहिए ऑयल और 2 कप चाहिए हमें लहसुन। जी ये मैंने चूल्हा जला लिया है, उसके ऊपर हम रखेंगे अपना बर्तन, ये देखें ऐसे। अब हम इसमें डालेंगे घी, ये देखें, और इसे गरम कर लेंगे। ये देखें जी हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे हिलाएंगे ऐसे, ये देखें ऐसे जी इसे हिलाएंगे। ये देखें जी हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये देखें। अब हम 2 से 3 मिनट और इसकी ऐसे भुनाई करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन। देखें जी अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐसे, ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, ये देखें इसे अब अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखें इसे अब, ये देखें जी हमारा लहसुन जो है ना अच्छी तरह से उसमें भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ये देखें जी मैंने इसमें चिकन डाल दिया, ऐसे इसको हिलाना है 3 से 4 मिनट। देखें जी चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसमें जो है ना आधा कप घी और डाला था, क्यों मुझे इसमें कम लगा है। आप भी हसब ज़रूरत घी डाल सकते हैं इसमें, ये देखें, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, ये बिरयानी मसाला जो है नेशनल का वो डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे जी हसब ज़रूरत नमक, मुझे इतना ज़रूरत है इस वजह से मैंने इतना डाला है। और उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा, गरम मसाला डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे, ये देखें जी ऐसे हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक के ऑयल ना निकल आए इसमें से। जी अब हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया, ये देखें ऐसे हमने बनाना है अच्छी तरह से। और जब तक ये हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह से पक ना जाए तब हमने इसकी भुनाई करनी है, ये देखें। ये देखें जी भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पानी और उससे पहले हम डालेंगे लेमन जूस, ये देखें इसमें हम डालेंगे हसब ज़रूरत पानी। आप जो है ना गोश्त को चेक कर लेंगे कि कितना पक चुका है, ये देखें हसब ज़रूरत पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ये देखें। अब हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम डालेंगे इसमें अचार, ये देखें ये मैंने डाला है अचार इसमें, और इसे ऐसे हिलाएंगे। ये देखें जी हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, चिकन वाला जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। अब हम इसे ऊपर से बंद कर
रख देंगे। ये हैं 1.5 किलो चावल जिनको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। इसे जी 1.5 घंटा होने वाला है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने इसमें डाला है 4 लीटर पानी और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट ऊपर ऐसे बंद कर लेंगे, 10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए जी, हमारा पानी जो है ना फुल गर्म हो चुका है, देखें इधर। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा आधा चम्मच, उसके बाद हम डालेंगे नमक 3.5 चम्मच और उसके बाद हम डालेंगे पुदीना, ये देखें। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चावल, ये देखें जी। इसमें हम अब डालेंगे चावल जो भिगो कर रखे हुए थे वो वाले, ये देखें। ये देखें मैंने इसमें जो है ना चावल डाल दिए। अब हम इसे ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है, और इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे जब तक अच्छी तरह ये सही ना हो जाए चावल हमारे। हमारे जो चावल हैं सही तरीके से बन चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें इसमें हम डालेंगे अब ऑयल, ये जो सालन के ऊपर आया हुआ है, ऐसे इस तरह से हम लगा लेंगे ऑयल। ऊपर हम लगा देंगे ऐसे चावलों की तह, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए जी, ऐसे मोटी सी तह लगा लेनी है और उसके ऊपर अब डालना है ऐसे सालन जो हमारा बना हुआ है, ये देखें। ऐसे डालना है जी सालन, ये देखें। देखें जी, मैंने सालन की तह लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दोबारा चावलों की तह। देखें जी, मैंने दूसरी तह लगा दी है चावलों की। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सालन, सालन की तह लगाएंगे जैसे पहले लगाई है। ये देखें जी, दूसरी तह मैंने लगा दी है सालन की। अब हम इसके ऊपर तह लगाएंगे चावलों की इस तरह से। ये इस तरह से हम कलर डालेंगे, इसके बाद हम करेंगे। ये देखें जी, ऊपर ऐसे डालना है पुदीना, टमाटर और कटा हुआ लेमन, ऐसे देखें। इसे ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे, ये हम बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखें आंच बिल्कुल हल्की सी आंच है और 15 मिनट के लिए हम इसे बंद कर दें। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है, ये देखें जी। और ये साथ में है जी लसूड़े का अचार। अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है किचन विद फ़हीम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगा है तो आगे चैनल को शेयर करें।